जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने 3 ऐसे वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो चोरी के वाहन बेचने की फिराक में थे। पकड़े गए बदमाशों का एक साथी फरार है। पुलिस ने पकड़े गए वाहन चोरों के कब्जे से 1 आयशर कैंटर, 1 स्कॉर्पियो कार, तमंचे व कारतूस तथा मोबाइल बरामद किया है। गढ़मुक्तेश्वर के पुलिस क्षेत्राधिकारी तेजवीर सिंह ने बताया कि बदमाशों ने कैंटर गाड़ी मुरादाबाद से तथा स्कॉर्पियो कार दिल्ली से चोरी की थी। ये थाना बहादुरगढ़ पुलिस टीम और जनपद हापुड़ की स्वैट टीम जुटी है, तो एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा कल दोनों की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में हमारी पुलिस टीम ने सफलता प्राप्त की है। इन 3 अभियुक्तों के कब्जे से 3 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस और 2 बगा कारतूस पुलिस मुठभेड़ के बाद बरामद हुए हैं। इनके पास एक स्कॉर्पियो थी जिस पर जाँच पड़ताल की गई, चोरी में कनेक्ट हो रही है। उसके अलावा इनकी निशानदेही पर घटनास्थल से नज़दीक ही बाग में एक आयशर कैंटर इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। इस आयशर कैंटर की जांच पड़ताल की गई तो ये आयशर कैंटर दिलारी थाना क्षेत्र जनपद मुरादाबाद से चोरी पाया गया है। इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनका एक साथी फारूक जो इनके साथ चोरी में इस आयशर कैंटर की संलिप्त था, वो अभी उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा ये यहाँ पर इस चोरी के आयशर कैंटर को यहाँ बेचने यहाँ पर की फिराक में थे, तो यहाँ के जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन इनको यहाँ पर मदद कर रहा था, उसके बारे में भी और जाँच की जा रही है।